Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will be solving exercise 5.6 of NCERT. This exercise will be covering the complete concept jo humne last video mein padha tha of the derivatives of the parametric form. Jab hamare paas x aur y jo hai wo hamare completely dependent or connected नहीं है एक equation में, but they are connected with the use of one parameter or we can say a new variable. तब उन cases में जब हम differentiation निकालते हैं dy by dx का, तो वो हमारे parametric में होता है. Hope आपको concept clear होगा, हमने जो last video में पढ़ा था. अब हम उसी के base पे कुछ NCERT के question solve कर लेते हैं. पहला question आप देख सकते हो कि हमें given है x और y की value given है and we need to find dy by dx. तो मैंने आपको last video में बताया ही था कि जब हमें dy by dx find करना होता है parametric equations का, functions का, तब हम क्या करते हैं, जो हमें पैरामीटर गिवन होता है उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स और वाई का और उसको हम डिवाइड कर देते हैं. लाइक वी कैन राइट इट एज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, पहले हम डी वाई बाई डी टी निकालते हैं. वाई हमें गिवन है 80 की पावर 4 है, तो इससे हमारा डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, तो आप डिफरेंशिएट करोगे वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका आ जाएगा ये आपका देख लो x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो 4 हमारा यहाँ आएगा 4a t3, तो ये हमारा dy by dt निकल गया. अब हमें x की वन है 280 स्क्वायर है, अब हमें इसी का dx by dt निकालना है. dx by dt क्या होगा, 2 हमारा नीचे आने का, तो 480 और d की वैल्यू t की पावर 1 हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड है. अब हमें इसे a में पुट कर देना है, तो हमारा dy by dx क्या आएगा, dy by dx आएगा हमारा 4a t3, क्योंकि dy by dt हमारा ये है, अपॉन dx by dt 480, तो 4 और 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, t cube upon t है, जो हमारा t square हो जाएगा. तो dy by dx हमारा t square आया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि x की वैल्यू a cos theta है और y की वैल्यू b cos theta है, तो अब हमें dy by dx निकालना है. तो सिमिलरली हमें इसमें हमारा इस क्वेश्चन में हमारा पैरामीटर जो है वो हमारा थीटा है, तो हमें सबसे पहले dy by d theta निकालना है. तो dy by d theta निकालते हैं हम, हमारा y है b cos theta, तो dy by d theta क्या हुआ, b कांस्टेंट है एज इट इज, लेकिन cos theta का डेरिवेटिव इज माइनस साइन theta, तो dy by d theta आया हमारा माइनस b साइन theta. अब हमें dx by d theta निकालना है, dx by d theta क्या आएगा हमारा, a cos theta है, a कांस्टेंट एज इट इज, cos theta का डेरिवेटिव इज माइनस साइन theta, तो लिख दो माइनस ए साइन theta. अब dy by dx क्या होगा हमारा, dy by dx होगा हमारा dy by d theta अपॉन dx by d theta, तो dy by d theta हमारा आया माइनस b by sin theta और dx by d theta आया हमारा माइनस a sin theta, तो sin theta से sin theta कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आया हमारा b by a, तो dy by dx है हमारा b by a. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू हमारी sin t है, y की वैल्यू cos 2t है, हमें dy by dx निकालना है, तो वही पैरामीटर इज t जो कॉमन है हमारा म्यूचुअल पैरामीटर. अब हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने से पहले हमें dy by dt निकालना होगा, तो cos 2t का हमारा डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2t, और फिर हमें 2t का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2t का डेरिवेटिव हमारा इंटू 2, चेन रूल अप्लाई होगा, तो माइनस 2 साइन 2t आया हमारा dy by dt. अब dx by dt निकालना है, dx by dt हमारा सिंपली साइन t का डेरिवेटिव इज cos t, तो dy by dx निकल जाएगा, dy by dx होगा हमारा माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t. ये देखो हमारा यहाँ पे cos t है और ऊपर sin 2t है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव में ट्राई करा करो, जितना हमारी सॉल्यूशन, जितना भी हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिखे, डेरिवेटिव हमारा जितना छोटा हो वो ज्यादा बेटर है. तो आप देख सकते हो साइन 2t है हमारा न्यूमिरेटर में, तो हम साइन 2t का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कि हमारा साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, है ना, तो पुट कर दो साइन 2t की जगह 2 sin t cos t, तो क्या आया आपका माइनस 2 sin t cos t अपॉन cos t, तो यहाँ पे cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस 4 sin t, तो ये है हमारा dy by dx. अगर आप ऐसे छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कितना फर्क आया है हमारे आंसर में, तो कोशिश क्या करो जितना आपका डिफरेंशिएशन निकालने के टाइम पे जितना इसको सिंप्लीफाई कर लो उतना ज्यादा बेटर है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4t है और y की वैल्यू आपकी 4/dt है, तो हमें dy/dx निकालना है. तो म्यूचुअल पैरामीटर इज t, तो पहले निकालते हैं dy/dt. dy/dt क्या होगा, 4 कांस्टेंट एज इट इज और अपॉन टी. तो 1/t का डेरिवेटिव आपको पता ही है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/x2. तो 1/t का -1/t2, -4/t2. ये हमारा आ गया dy/dt. निकालते हैं dx/dt. dx/dt क्या होगा, 4t है, तो t का हमारा 1 होगा, 4 एज इट इज लिख दो कांस्टेंट सेकंड. अब हमारा dy/dx निकल जाएगा. dy/dx हमारा dy/dt अपॉन dx/dt, तो -4/t2 और dx/dt हमारा 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, -1/t2 आपका आया dy/dx. कितना इजी था, बस हमें जो कॉमन म्यूचुअल पैरामीटर है उनका डेरिवेटिव निकालना है x और y के टर्म्स में, और उसे हमें dy/dx में पुट कर देना. जो हमारे हम निकाल इसमें हमारा क्वेश्चन में म्यूचुअल पैरामीटर t था, तो हमें dy/dx क्या निकला, हमारा dy/dt अपॉन dx/dt. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5th क्वेश्चन हमारे पास कि x की वैल्यू cos थीटा -cos 2 थीटा है, y की वैल्यू sin थीटा -sin 2 थीटा है. ठीक है, करते हैं dx/dt. पहले dy/dθ निकालते हैं. थीटा हमारा पैरामीटर, इसमें म्यूचुअल पैरामीटर है. dy/θ क्या होगा, sin θ - sin 2θ ना हमारा. तो sin θ का हमारा डेरिवेटिव इज cos θ, -sin 2θ का डेरिवेटिव इज cos 2θ, और 2θ का अलग से तो 2. तो ये हमारा हुआ dy/dθ. dx/dθ निकालना है हमें. dx/dθ क्या आएगा, cos θ का डेरिवेटिव इज -sin θ. ठीक है, और -cos 2θ. cos 2θ का डेरिवेटिव वही सिमिलरली -sin 2θ, -- प्लस हो जाएगा, +sin 2θ, और 2θ का डेरिवेटिव (2). तो ये आ गया हमारा. अब हमारा dy/dx क्या है, dy/dx हमारा सिमिलरली dy/dθ होगा अपॉन dx/dθ होगा. dy/dx हुआ हमारा -sin θ प्लस 2sin 2θ अपॉन, सॉरी ये हमारा dx/dθ था. dy/dx हुआ हमारा cos θ -2cos 2θ अपॉन dx/dθ हुआ हमारा 2sin 2θ -sin θ. तो ये आया हमारा dy/dx. सिंपल था ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6th क्वेश्चन है हमारे पास कि x की वैल्यू है a इंटू थीटा -sin θ, y की वैल्यू है a 1+cos θ. हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dθ निकालते हैं. पहले dy/dθ a कांस्टेंट एज इट इज, 1 का हमारा डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट, प्लस cos θ का हमारा डेरिवेटिव होगा -sin θ. ठीक है, a -a sin θ आया हमारा dy/dθ. अब dx/dθ निकालते हैं. dx/dθ आया हमारा a, थीटा का डेरिवेटिव 1 और sin θ का डेरिवेटिव इज cos θ. ठीक है, अब पुट कर दो. dy/dx आया हमारा dy/dθ जो है हमारा -a sin θ, और dx/dθ है हमारा a 1 - cos θ. तो a से a कैंसिल हुआ, आया आपका -sin θ अपॉन 1 - cos θ. ठीक है, अब इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमारी हाफ एंगल थ्योरम, हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो थे वो यूज हो सकते हैं. कौन सा, थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, 2sin θ/2 cos θ/2. ये हमारे एक हाफ एंगल का फॉर्मूला है. और आपको पता है cos 2θ के हमारे 4 फॉर्मूलाज होते थे. क्या होते थे, एक cos²θ -sin²θ होता था, एक हमारा 2cos²θ -1 होता था, एक 1 - 2 θ होता था. तो अब आप देख सकते हो इसमें कौन सा पुट होगा. sin θ की जगह तो हम 2sin θ/2 cos θ/2 पुट कर रहे हैं. cos 1 - cos 2θ हमारा ये वाला है ना, सेम नहीं, ये है ना हमारा 1 यहाँ पे है, cos 2θ है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 - cos 2θ को हम 2sin²θ भी लिख सकते हैं. तो हमारा 1 - cos θ क्या होगा, वो होगा हमारा 2sin²θ/2. तो पुट कर दो, -sin θ की जगह हम पुट करेंगे 2sin θ/2 cos θ/2, और 1 - cos θ की जगह हम पुट करेंगे 2sin²θ/2. तो 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 वाला, तो cos θ/2 sin θ.2 आएगा. तो cos/sin हमें बताइए cot θ होता है, तो cot θ/2 आया हमारा dy/dx. तो आई होप आपको ये समझ आ गया, फॉर्मूलास आपको पता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
है कि हमें गिवन है x की वैल्यू है साइन क्यूब थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा और y 2t और y की वैल्यू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी. हमें निकालना है dy बाय dx. तो इस क्वेश्चन में हमें वही म्यूचुअल पैरामीटर हमें गिवन है t. हम पहले निकालते हैं dy बाय dt. ओके देख के पता चल रहा है आपको कि हमें क्वेश्चन रूल लगाना होगा. ये u बाय v की फॉर्म में है. तो u बाय v की फॉर्म का हमें पता है क्वेश्चन रूल का क्या होता है कि हमारा सबसे पहले होता है डिनोमिनेटर में हम उसको v स्क्वायर लिख देते हैं. तो अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन रूल में न्यूमिनेटर में पहले का डेरिवेटिव कॉस क्यूब टी है. इसको आप ना एस एक्स क्यूब देखो. देखो आप इसको एस एक्स क्यूब देखो. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है थ्री एक्स स्क्वायर. और उसके बाद हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस क्यूब टी का हमारा क्या होगा. पहले लिखेंगे थ्री कॉस स्क्वायर टी. अब फिर कॉस टी का लिखेगा. कॉस टी का डेरिवेटिव इज माइनस साइन टी. अब इसको नेक्स्ट वाले को डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज लिख दो कॉस टू टी माइनस. फिर फर्स्ट वाले को ऐसे लिख दो टर्म को और सेकंड का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट एक्स का हमें पता ही है वन बाय टू होता है पहले अंडर रूट कॉस टू टी. फिर कॉस टू टी का करेंगे तो आएगा हमारा माइनस साइन टू टी और इंटू टू. टू से टू कैंसिल हो गया. और अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस टू टी है तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा अंडर रूट कॉस टू टी यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा थ्री कॉस स्क्वायर टी माइनस बाहर ले लेते हैं साइन टी. तो अंडर रूट कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो कॉस टू टी माइनस कॉस क्यूब टी और यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन टू टी. ठीक है अपॉन कॉस टू टी अंडर रूट का होल स्क्वायर है तो ये तो कॉस टू टी हो जाएगा हमारा और यहाँ पे जो अंडर रूट हमने एलसीएम किया वो भी नीचे आ जाएगा तो कॉस टू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री बाय टू. कैसे ये वन हो जाएगा और ये हाफ है तो वन प्लस हाफ इज थ्री बाय टू तो इसकी पावर थ्री बाय टू हो जाएगी. तो ये हमारा एक निकला इसको वन ले लेते हैं. अब डीएक्स बाय डी टी निकालते हैं. डीएक्स बाय डी टी सिमिलरली हमारा अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर कर देंगे. क्वेश्चन रूल न्यूमरेटर में हमारा साइन क्यूब टी तो थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी लगेगा. अंडर रूट कॉस टू टी को एज इट इज लिख दो माइनस साइन क्यूब टी को ऐसे एज इट इज लिख दो और ये वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस टू टी और माइनस साइन टू टी हो जाएगा कॉस टू टी को और इंटू टू. टू से टू सिमिलरली कॉस टू टी का एलसीएम लेंगे तो आएगा थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस टू टी माइनस साइन क्यूब टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां वाला साइन क्यूब टी साइन टी अपॉन कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू. तो ये हम टू ले लेते हैं. तो अब आप देख सकते हो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कॉस टू टी थ्री बाय टू कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स हुआ. तो डी वाई वन वाला वो हम एज इट इज लिख देंगे पहले माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी और अपॉन ये हमारा कॉस टू टी थ्री बाय टू होगा और ये है जब डिवाइड होगा तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारा सीधा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो क्या आया थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन टी. अब ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स आया तो ये देखो कितना ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन आया तो इसको भी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हमारे पास क्या है यहाँ तो कॉस टू टी का हम फॉर्मूला लिख दे उससे एक्सपैंड कर दे या साइन टू टी का फॉर्मूला लिख दे. यहाँ पे हमारा साइन टू टी है सॉरी ये देखो यहाँ पे साइन टू टी है तो ये भी साइन टू टी होगा और यहाँ पे भी साइन टू टी होगा. यहाँ साइन टू टी का फॉर्मूला लिख दे तो अभी हम क्या करते हैं हम कॉस टू टी को नहीं छेड़ते हम साइन टू टी का फॉर्मूला लिखते हैं. तो हम सिंपली क्या करते हैं हम पुट करते हैं साइन टू टी को इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है टू साइन टी कॉस टी. ठीक है ये पुट करते हैं पुट करते हैं क्या आया माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी प्लस कॉस क्यूब टी टू साइन टी कॉस टी अपॉन थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी प्लस साइन क्यूब टी टू साइन टी कॉस टी. ठीक है कॉमन आ रहा है क्या ऊपर देखो आप इधर हमारा कॉस स्क्वायर दो बार है इधर भी कॉस स्क्वायर है इधर भी मल्टीप्लाई करके कॉस क्यूब है
तो कॉस स्क्वायर हमारा कॉमन आ सकता है डिनोमिनेटर में, और साइन टी भी कॉमन आ सकता है, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। और सिमिलरली यहाँ पे भी साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में हमारा कॉमन आया कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो क्या आया एक्सप्रेशन अंदर हमारा आया 3 cos 2t + 2 cos square t, ये आया हमारा अंदर एक्सप्रेशन। और नीचे हमारा साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन आया, तो नीचे एक्सप्रेशन आया 3 cos 2t + 2 sin square t। देखो कॉस टी से हमारा कॉस स्क्वायर वाला कट जाएगा, साइन टी से साइन स्क्वायर वाला हट जाएगा, तो इसको लिख दो कॉस टी अपॉन साइन टी है हमारा, ठीक है। और अब हमारा ये देखो कॉस टू टी वाला भी, अब हम कॉस टू टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना पहले साइन टी को करते हैं, अब कॉस टू टी के एक्सप्रेशन को भी हम बढ़ाते हैं, तो कॉस टू टी का कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि कॉस टू टी का हमारे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos² θ - 1 और 1 - 2 sin² θ। पहला वाला फॉर्मूला इतना रेयरली यूज होता है तो इसको हटा देते हैं रेयरली। देखो न्यूमिनेटर में आपका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है तो न्यूमिनेटर में हम 2 cos² θ - 1 वाला यूज करते हैं ताकि वो एक्सप्रेशन हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, और डिनोमिनेटर में यहाँ साइन स्क्वायर है तो सेकेंड वाला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पुट कर दो -3 cos²t की जगह पुट कर दो यहाँ पे 2 cos²t - 1 + 2 cos²t एज इट इज अपॉन साइन टी में यहाँ पे 1 - 2 sin²t + 2 sin²t एज इट इज, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, cos t एज इट इज लिखते हैं अभी, -6 cos²t हो जाएगा +3 + 2 cos²t, डिनोमिनेटर में साइन टी इंटू 3 - 6 sin²t + 2 sin²t, कॉस टी यहाँ क्या होगा -4 हो जाएगा -4 cos²t + 3 अपॉन साइन टी 3 - 4 sin²t। अब कुछ नहीं करना, कॉस टी और साइन टी को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो क्या आया आपका -4 cos³t + 3 cos t 3 sin t - 4 sin³t। अब आपको ये देखे कुछ याद आ रहा है कोई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करी हो आपने तो? यस, हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि sin³t के फॉर्मूला क्या होता है, या sin³θ के हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 3 sin t - 4 sin³t। और cos³t का फॉर्मूला क्या होता है, cos³t का फॉर्मूला होता है 4 cos³t - 3 cos t। तो ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप देखो आपके डिनोमिनेटर में 3 sin t - 4 sin³t सेम फॉर्मूला sin³t का यूज हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे न्यूमिनेटर में। तो कर लो, माइनस कॉमन ले लिया तो 4 cos³t - 3 cos t, तो लिख दो -cos³t अपॉन यहाँ पे sin³t, ठीक है। अब cos³t अपॉन sin³t, आपको बताया cos θ अपॉन sin θ इज cot θ, तो सिंपली पुट कर दो -cot³t, तो dy/dx आया आपका -cot³t। देखो अब आपको कहाँ से एक्सप्रेशन कहाँ तक पहुंच गया, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और करेक्टली उनको पुट करना है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x की वैल्यू है a cos t + log tan t/2 और y की वैल्यू है t a sin t। तो अब हमारा म्यूचुअल पैरामीटर क्या है, t। तो अब पहले निकालते हैं dy/dt, dy/dt क्या होगा सिंपली a cos t, ठीक है। और dx/dt क्या होगा आपका, dx/dt a cos t का होता है आपका -sin t + log tan t/2, चेन रूल लगेगा, पहले log का करते हैं तो 1/tan t/2 कर दो, tan t/2 का करेंगे तो क्या होता है sec²t/2, और t/2 का क्या होगा सिंपली हाफ लिख दो, ठीक है। अब करो a - sin t, अब इसको हम sin और cos की टर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या होगा हमारा tan होता है sin θ होता है sin θ / cos θ, तो sin t/2 cos t/2 क्योंकि ऊपर चला जाएगा अपॉन में, sec t/2 होता है हमारा 1/cos,
तो sec square t का हम लिख देते हैं 1 अपॉन cos square t by 2 और ये हाफ एज इट इज. cos t by 2 स्क्वायर से हट जाएगा, a माइनस sin t प्लस यहाँ देख सकते हो 1 अपॉन 2 sin t by 2 cos t by 2 है. तो ये आपको पता चल रहा है हमारी sin 2t वाली आइडेंटिटी बन रही है 2 sin theta cos theta वाली. तो 1 अपॉन sin t एज इट इज लिख दो क्योंकि हाफ एंगल है. सीधा sin t का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो आपका dyx बाय dt आ गया. अब हमें dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx आया हमारा a कॉस टी अपॉन a कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे अपॉन साइन टी है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन टी. a से a कॉस से स्क्वायर वाला, तो साइन टी अपॉन कॉस टी इज टैन टी. यही हमारा dy बाय dx आ गया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाइन क्वेश्चन है हमारे पास. x की वैल्यू a sec थीटा और y की वैल्यू b tan थीटा. dy बाय dx निकालना है, थीटा हमारा म्यूचुअल पैरामीटर है. तो dy बाय d थीटा निकालते हैं सबसे पहले. तो dy बाय d थीटा होगा b, tan थीटा का हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा पुट कर दो. dx बाय d थीटा हमारा आएगा a और sec थीटा का होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, तो sec थीटा tan थीटा आ गया हमारा dx बाय d थीटा. अब हमारे को निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx क्या आएगा हमारा, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा. तो dy बाय dx हमारा dy बाय dx आएगा, dy बाय d थीटा है हमारा b sec square थीटा और dx बाय थीटा है a sec थीटा tan थीटा. तो एक sec थीटा से ये कटा, b बाय a लिख दो. sec थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाय cos थीटा, तो लिख दो 1 बाय cos थीटा और sin, इसका tan थीटा का होगा हमारा 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा. cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और b बाय a और इंटू 1 अपॉन sin थीटा आया. 1 अपॉन sin थीटा का हमें पता ही है कि हमारा 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा होता है, तो b बाय a cosec थीटा. यह आया हमारा dy बाय dx. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं. 10th क्वेश्चन है हमारे पास, x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, हमें dy बाय dx निकालना है. तो चलो सबसे पहले dy बाय dx d थीटा निकालते हैं. dy बाय d थीटा क्या आया हमारा, a sin थीटा का इज cos थीटा माइनस और ये थीटा cos थीटा हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो थीटा का डेरिवेटिव सबसे पहले 1, तो cos थीटा लिख दो, प्लस है होगा बट माइनस है तो माइनस, थीटा एज इट इज, cos थीटा का हमारा sin थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस यहां लग जाएगा. तो ये dy बाय d थीटा आया. अब dx बाय d थीटा निकालते हैं. a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा को लिखो और साइन थीटा का cos थीटा. तो ये हमारा आया dx बाय d थीटा. तो dy बाय dx निकालते हैं. a cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा अपॉन a माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा. ठीक है, ये हमारा dy बाय dx. a से a कैंसिल हो रहा है, न्यूमिनेटर में देखो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, डिनोमिनेटर में माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा भी कैंसिल. तो क्या आया हमारा, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा भी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा. तो यह आया आपका dy बाय dx. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन. इसमें हमें गिवन है x की वैल्यू है अंडर रूट a साइन इनवर्स टी और y की वैल्यू है अंडर रूट a कॉस इनवर्स टी. हमें शो करना है कि dy बाय dx जो है वो माइनस y बाय x के इक्वल है. इसमें हम x और y की वैल्यू थोड़ी चेंज करके लिखते हैं. हमें क्या गिवन है कि x है हमारा अंडर रूट a साइन इनवर्स टी. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स टी की पावर हाफ. ठीक है, और अब हमें पता है कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक्सपोनेंट की, तो a की पावर m की होल पावर n को हम s a m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आएगा हमारा x की वैल्यू a साइन इनवर्स t बाय 2. ठीक है, सिमिलरली y क्या आया, y आया हमारा a की पावर कॉस इनवर्स टी बाय 2. ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, dy बाय dx निकालते हैं.
dy by dx हमारा होगा, x हमारा कॉमन म्यूचुअल पैरामीटर है, तो dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। तो इसे हम इसी में फॉर्म में कर लेते हैं। तो dy by dt क्या हुआ, a cos inverse t, तो आपको पता है कि हमारे पास ax, अगर a की पावर x में हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है a by x into log a, तो लिख दो सिंपली a साइन इन a cos inverse t एज इट इज लिखेंगे, पहले t by 2 into log a करेंगे, उसके बाद cos inverse t by 2 का करेंगे, by 2 1 upon 2 हमारा कांस्टेंट है इसके साथ, तो हाफ एज इट इज, और हमें पता है cos inverse t का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली x का a साइन इनवर्स t है तो a साइन इनवर्स t by 2 एज इट इज log a से मल्टीप्लाई, उसके बाद हाफ कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स t का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल, हाफ का हाफ कांस्टेंट भी कैंसिल, log a भी कैंसिल। तो a cos inverse t क्या है हमारे पास, a cos inverse t by 2 हमारा y है, तो इसको हम y लिख देंगे, और माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस भी आएगा, और ये a sin inverse t by 2 हमारा x है, तो माइनस y by x। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि हमें प्रूव करना है कि dy by dx हमारा माइनस y by x की इक्वल है, और वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर द एक्सरसाइज 5.6 जो हमने सारे अभी सॉल्व कर लिए है, एक भी नहीं बचा। In case you have any query related to this topic, please write down in the comment section. Don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet. And like this video. Thank you.